वेलकम बैक मैं चलक। तो आज के लिए हम लोग को यूट्यूब पर कैसे ग्रो लेवल करें, यूट्यूब पर अपना वीडियो कैसे क्रिएट करके बनाकर किस तरीके से उस वीडियो पर वॉच टाइम लाएं और सब्सक्राइबर गेन करें और उसमें व्यू कैसे लाएं और कैसा क्वालिटी का वीडियो और थंबनेल बनाएं जिससे अट्रैक्टिव वीडियो आपके जो ऑडियंस है वो वीडियो को क्लिक करके देख सकें और कैसे आप वॉच टाइम बढ़ाकर व्यू लाएं, तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो जिन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग जाइए और सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटे को भी दबा दें, और जिन लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे वो दिल से धन्यवाद। तो चलिए लेटेस्ट स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के दिन आप लोग को यूट्यूब पर किस तरीके से वीडियो को रैंक किया जाता है, किस तरीके से वीडियो को चलाया जाता है, इससे रिलेटेड जानकारी देंगे, व्यू कैसे लाया जाता है और अपना वीडियो को वॉच टाइम सब्सक्राइबर किस तरीके से बढ़ाया जाता है, इससे रिलेटेड जानकारी देंगे। तो चलिए लेटेस्ट स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते समय आप लोग को अच्छे क्वालिटी के साथ वीडियो बनाना है जिससे आप लोग का वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी भी अच्छा हो। उसके साथ उसको कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से वीडियो को एडिट कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद उसमें कुछ अच्छे से थंबनेल बनाकर जो वीडियो के रिलेटेड थंबनेल हो उसको भी उस वीडियो पे ऐड करें। उसके बाद उसको कस्टम थंबनेल लगाकर और उसमें कुछ टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स लिखकर और बहुत सारे टैग्स लिखकर आप लोग उसको यूट्यूब के जो सर्च इंजन है उसमें पहुँचा दीजिएगा, जिससे आपका जो वीडियो है वह ऑप्टिमाइज हो जाएगा, सर्च इंजन पर आ जाएगा। जब कोई यूट्यूबर इस तरीके का वीडियो बनाता है तो वह रैंक कर जाता है, क्योंकि जिन लोग सब्सक्राइबर होते हैं, जिन लोग ऑडियंस होते हैं, वीडियो देखते हैं, उन लोग अपना जो यूट्यूब जाकर वहाँ पर सर्च करते हैं। सर्च करने से आपका वीडियो यूट्यूब के रैंक किसी भी नीचे या ऊपर पर आता है और उस वीडियो को ऑडियंस क्लिक करके देखता है, जिससे आपका वॉच टाइम सब्सक्राइबर गेन होता है, बढ़ता है। इसलिए आपका वीडियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए उसमें टैग डिस्क्रिप्शन सही से लगाकर अच्छे वीडियो को अपलोड किया जाता है। इसी से आपका चैनल प्रो लेवल होगा। और आप जब नया चैनल क्रिएट करते हैं तो नया चैनल एकदम बूस्ट नहीं होता है, कुछ समय लगता है, साल दो साल के बाद ही आपका चैनल प्रो लेवल पर पहुंचता है, क्योंकि आपका जो चैनल और नया होता है ऑडियंस मालूम नहीं होता कि इसमें कितना सब्सक्राइबर है, कैसा वीडियो बनाता है, कुछ भी जानकारी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप लोग वीडियो बनाते हैं, दूसरे वीडियो बनाते समय आप लोग को और ऑडियंस को एंगेजमेंट, ऑडियंस से आप लोग अपने रिलेटेड वीडियो की जानकारी देते हैं और आप लोग को भी अपने चैनल के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे ऑडियंस आपका वीडियो पसंद करता है और वीडियो को देखता है, जिससे आपका सब्सक्राइबर वॉच टाइम और आपका चैनल बड़ा होता है और आने वाले समय में आपका यूट्यूब चैनल बड़ा होकर एक अच्छे ग्रो लेवल पर पहुँच जाता है, जिससे आपका ऑडियंस का एंगेजमेंट भी बढ़ता है और आप लोग का चैनल भी ग्रो होता है। इसलिए अच्छे क्वालिटी में ही वीडियो शूट करें और अच्छे कस्टम थंबनेल लगाकर और यूट्यूब पर अच्छे वीडियो क्वालिटी में ही वीडियो शूट करके अपलोड करें और समय लें वीडियो बनाने के लिए, अच्छे वीडियो एडिट करके ही अपलोड करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और मेहनत करें, अच्छे वीडियो बनाएं। और जिन लोग अभी यूट्यूब पर चैनल बनाने वाले हैं, जिन लोग चैनल बना चुके हैं, उन लोग अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। और मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, पसंद आया है, वीडियो में कुछ जानकारी मिला है किस तरीके से वीडियो अपलोड किया जाता है, किस तरीके से आप लोग अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड किए जाए, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी दिया गया है इस वीडियो में, तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। चलिए किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्द। इस वीडियो को एक बार ऐड करते हैं और यूट्यूब से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाला है, इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी करें। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ यहाँ पर तो वीडियो दिख रहे हैं, तो इसको वीडियो क्लिक करें और देखें वीडियो।